नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। बहराइच जरवल की खास खबरों में आज की ताजा खबर। अपने ही माँ बाप बन बैठे बेटी के हत्यारे। बेटी के आचरण से शुद्ध होकर बेटी की माँ अपने भाई तथा दामाद के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से हत्या कर शव को नदी में फेंक कर मिटाया। साक्ष्य थाना जरवल रोड जनपद बहराइच। 19 मई 2022 को 87/2022 धारा 376, 506/366 भादवी पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देश व गठित टीम क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर ज्ञानंजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में 14 जुलाई 2022 को नामित अभियुक्त कदीर अहमद पुत्र सैयद अहमद निवासी बेजाफत आगापुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को बात पूछताछ हिरासत पुलिस में लिया गया। तदुपरांत बात पूछताछ के तथ्य प्रकाश में आया कि तब सुम का आचरण व चाल चलन ठीक नहीं था, जिससे उसकी मां श्रीमती सहरुनिशा पत्नी माफुजुर्रहमान निवासी बेजाफत आगापुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच द्वारा सुनियोजित ढंग से अपने दामाद कदीर अहमद उपरोक्त, जो कि मुंबई में रहकर रोजी रोटी कमाता था, को दिनांक 7 मार्च 2022 को बुलाकर अपने सगे भाई मोहम्मद रईश अहमद पुत्र जलालुद्दीन निवासी टाड़े चतुर सरैया तड़वा सराय कनहर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच के माध्यम से अपनी लड़की तबस्सुम को गांव के बाहर भेजकर, जहां पर पहले से दामाद कदीर अहमद उपरोक्त मिला एवं तबस्सुम को मोहम्मद रईश तथा कदीर अहमद मिलकर साथ में ले जाकर घाघरा घाट नदी रेलवे पुल के उत्तर दिशा में सुनसान स्थान पर पत्थर से मारकर तबस्सुम की हत्या कर शव को चादर में लपेटकर उसी पत्थर से बांधकर घाघरा नदी में फेंक दिया। उपरोक्त घटना के क्रम में गठित टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तगढ़ कदीर अहमद पुत्र सैयद अहमद शहरुनिशा पत्नी महफूजुर्रहमान निवासीगढ़ बेजाफत आगापुर थाना सरवल रोड जनपद बहराइच, मोहम्मद रईस पुत्र जलालुद्दीन निवासी टाड़े चतुर सरैया तड़वा सराय कनहर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को हिरासत पुलिस में लेते हुए बाद विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया। गिरफ्तार टीम का विवरण। प्रभारी निरीक्षक राजकिशोर कुमार सिंह, उप निरीक्षक श्री अनिल कुमार, उप निरीक्षक श्री त्रिलोकीनाथ मौर्य, कांस्टेबल उमा शंकर, कांस्टेबल रत्नेश यादव, कांस्टेबल गोपाल जी, कांस्टेबल धर्मेंद्र प्रजापति, दिग्विजय यादव, कांस्टेबल शिवम मिश्रा, महिला आरक्षी पायल पांडे, आरक्षी चंद्रकेश थाना जरवल रोड जनपद बहराइच, प्रभारी सॉर्ट सर्वलांस मई टीम जनपद बहराइच, मोबाइल फोरेंसिक टीम जनपद बहराइच, मंडल प्रभारी लाइव टीवी समाचार सारिका शर्मा बहराइच की खास रिपोर्ट। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।